हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन गाइस। आज हम बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, जो कल इनका मैच होने वाला है एशिया कप में, उसकी बात करेंगे गाइस। सबसे पहले हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे और पिच रिपोर्ट के बाद में हम ड्रीम इलेवन टीम की बात करेंगे गाइस। ये जो पिच है वो हार्ड पिच है, फ्लैट है और बैटिंग पिच है। अगर ये पिच की बात करें तो ये हार्ड पिच है, फ्लैट है और बैटिंग पिच है, इसलिए बैटर्स जो हैं इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और नो डाउट पावर प्ले में उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। पावर प्ले में उनको अच्छा बाउंस मिलता है, अच्छी पेस मिलती है, इस वजह से उनको अच्छे शॉट्स खेलने का मौका मिलता है, चौके छक्के दिखाने का मौका मिलता है और एक अच्छा स्कोरिंग का मौका मिलता है। तो गाइस नो डाउट ये जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली है, साथ में बॉलर्स की भी फ्रेंडली है। और क्योंकि यहाँ पे सीजन रेनी सीजन है, इसलिए क्योंकि रेनी सीजन होने की वजह से नमी आ जाती है और नमी होने की वजह से पेसर्स को और स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। और पिछले कुछ मैचेस का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो स्पिनर्स को शानदार मदद मिल रही है। तो जब आप ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे तो बैटर्स को तो रखेंगे और साथ में पेसर्स को भी और स्पिनर्स को भी बैलेंस करके रखेंगे। ओडीए का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे वो 242 का है। और हेड टू हेड की बात करें तो अभी तक एशिया कप में दो मैच खेल चुके हैं, दोनों मैच पाकिस्तान ने जीते हैं और लंका ने जीरो। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर बात करें हम बाउंड्रीज़ की तो बाउंड्रीज यहाँ पे शॉर्ट है गाइज, इसलिए यहाँ पे अच्छी स्कोरिंग हो रही है और अच्छे मैचेज, रोमांचक मैचेज देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज अगर यहाँ पर अगर मैचेस की बात करें तो टोटल ओडीआई हैं वो 130 हो चुके हैं। तो जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 76 और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 54 मैचेस जीते हैं। तो टॉस विनर कैप्टन हमेशा बैटिंग चुनना पसंद करता है, क्योंकि ये जो पिच है ये स्टार्टिंग में बैटर्स को सपोर्ट करती है, फर्स्ट इनिंग में बैटर को सपोर्ट करती है। तो जब आप टॉस विनिंग के बाद जब फाइनल टीम अपनी बनाएं तो उसमें फर्स्ट इनिंग में बैटर्स को प्रायोरिटी पे रखें और कुछ ओवर्स के बाद 8-10 ओवर के बाद पिच स्लो हो जाएगी और क्योंकि रेनी सीजन है तो उसके बाद आप स्पिनर्स को भी बहुत अच्छी मदद करेगी। तो पेसर्स और स्पिनर्स का बैलेंस बना के रखेंगे, साथ में बैटर्स का भी बैलेंस बना के रखेंगे। इसमें 21 बार 300 प्लस स्कोरिंग रही है, 21 टाइम 300 प्लस स्कोरिंग रही है और 37 टाइम 250 से 300 बीच में स्कोरिंग रही है। अगर मैं विकेट टेकिंग की बात करूँ गाइज तो ये जो राइट आर्म बॉलर्स की बात करूं तो अभी तक 332 विकेट मिल चुके हैं, जिसमें फास्टर को 46, फास्ट मीडियम को 103, मीडियम को 24 और स्लो बॉलर को 159। स्पिनर्स को 159 विकेट मिले हैं और फास्ट मीडियम को 103 मिले हैं। तो आप जब बॉलर्स चुनेंगे तो फास्ट मीडियम, फास्टर और स्लो बॉलर्स को चुनेंगे। लेफ्ट आर्म बॉलर की मैं बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर में फास्टर को तो 9 विकेट मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन फास्ट मीडियम को 50 विकेट्स मिले हैं। तो लेफ्ट आर्म बॉलर में भी आप 50 जो फास्ट मीडियम बॉलर्स हैं उनको प्रायोरिटी पर रखेंगे और स्लो बॉलर को 62 विकेट्स मिले हैं। तो यहाँ पे टोटल जो विकेट्स मिले हैं लेफ्ट आर्म और राइट आर्म बॉलर को वो 456 मिले, जिसमें पेसर्स को 235 और स्पिनर्स को 221। 52% जो विकेट्स हैं वो पेसर्स को और 48% विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को, लगभग दोनों का बराबर है। इसलिए इस पिच को आप बैलेंस पिच भी कह सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन की वजह से ये बैलेंस है, बैटर्स को भी सूटेबल हो रही है और साथ में बॉलर्स को भी सूट कर रही है। अब गाइज हम बात करें टीम की तो श्रीलंका की बात करें, निशांका जो हैं, जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, आप उनका भी बराबर देख रहे हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेकिन पिछली 5 पारियों का इनका रिकॉर्ड हम देखते हैं तो 5 में ये 2 पारियों में अच्छे चले हैं, एक में 40 रन बनाए थे और एक में 41 रन बनाए थे। इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड पे इन्होंने 5 पारियों में 198 रन बनाए हैं, 5 पारियों में 198 रन बनाए, लगभग 40 की एवरेज रही है इनकी और पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक ये नहीं खेले हैं। तो पी निशांका जो है वो हमारी ड्रीम इलेवन टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि पिछली 2 पारियों में अच्छे चले हैं, साथ में इस ग्राउंड पे इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। डी करुणरत्ने की बात करें तो 5 पारियों में 1 पारी में चले हैं, 32 रन बनाए इन्होंने और इस ग्राउंड पे 5 पारियों में 117 रन बनाए हैं, लगभग 19 की एवरेज से, और साथ में पाकिस्तान के अगेंस्ट में 2 पारियों में 16 रन बनाए हैं। तो अभी 5 पारियों का भी रिकॉर्ड इनका ठीक नहीं है, ग्राउंड रिकॉर्ड भी कोई खास नहीं है और पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिकॉर्ड इनका कोई खास नहीं है। आप इनको इग्नोर कर सकते हैं या किसी अपनी टीम में रख सकते हैं। के मेंडिस की बात करें, जो राइट हैंडेड बैट्समैन है और लेग ब्रेक बॉलर हैं, इन ये पिछले 5 पारियों में 2 पारियों में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, एक में 50 बनाए, एक में 92 में 92 बनाए। इस ग्राउंड पे 13 पारियों में 561 रन बनाए हैं, देखिए इनका 13 पारियों में 561 रन का है के मेंडिस का इस ग्राउंड पे, और पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन इन्होंने 3 पारियों में 39 रन बनाए हैं।
तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनका रिकॉर्ड बेटर नहीं कह सकते आप, लेकिन ग्राउंड रिकॉर्ड इनका बहुत ही शानदार है और 5 पारियों में से 2 पारियों में अच्छे चले हैं, तो ये मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। एस समर विक्रमा है, ये 5 में से 3 पारियों में अच्छे चले हैं, 1 में 93, 1 में 54, 1 में 36, तो 5 में से 3 में ये तो ट्रैक रिकॉर्ड इनका सही है। ग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो 3 पारियों में 164 रन बनाए, ये भी बहुत अच्छा है। यस लगभग 50+ बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 3 पारियों में 6 रन बनाए हैं, तो ये आपको विचार करना पड़ेगा कि समर विक्रमा को आप लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहें। लेकिन हम इनको ड्रीम 11 टीम में रखने जा रहे हैं, आप भी अपने ड्रीम 11 टीम में इनको समर विक्रमा को रख सकते हैं या इनके कोई अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी सोच सकते हैं। सी असलंका है, सी असलंका जो है ये लेफ्ट आर्म बोलर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। पिछले 5 पारियों की बात करें सी असलंका की, तो 1 पारी में 36 बनाए, 1 में 62 बनाए, 1 पारी में 22 रन बनाए और 4 विकेट भी लिए, तो 3 पारियों में इनका ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा रहा। ग्राउंड पे 11 मैचेस खेले जिनमें 492 रन बनाए, लगभग 40-45 की इनकी एवरेज रही है और 4 विकेट भी लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले हैं, लेकिन क्योंकि इनका ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, पिछले 5 में से 3 पारियों में रिकॉर्ड अच्छा है, तो सी असलंका है वो हमारी ड्रीम 11 टीम में मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। और ये अगर फैंटेसी रिकॉर्ड की बात करें तो सी असलंका जो है ना उनका 4th रैंक है, भारत और पाकिस्तान में के पिछले 5 मैचेस की रिकॉर्ड देखें तो फैंटेसी अगर पॉइंट्स में देखें तो इनका 4th रैंक है, और जो के मैंडिस हैं उनका 6th रैंक है, तो ये पॉइंट्स में भी हाई टेकर पॉइंट्स है, तो आप इनको रख सकते हैं। डी डिसल्वा की बात करें तो पिछली 5 पारियों में ये 3 पारियों में चले, 1 में 41 रन बनाए 0 विकेट, 1 में 14 रन बनाए लेकिन 2 विकेट लिए, 1 में 40 रन बनाए 0 विकेट लिए। इस ग्राउंड पे इन्होंने 16 मैचेस खेले, मीन्स पारियां खेली, 343 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जबकि डी डिसल्वा जो हैं वो इस ग्राउंड पे 16 पारियां खेली हैं, 343 रन भी बनाए और 10 विकेट भी लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 1 मैच खेला, उसमें 1 रन बनाया और 0 विकेट लिया। तो डी डिसल्वा को क्योंकि ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, ग्राउंड के अच्छे हीरो हैं, तो आप इनको डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग। डी दसुन सनाका जो हैं उन्होंने पिछले 5 पारियों में से 1 पारी में चल पाए हैं वो सिर्फ, यस 24 रन बनाए और 3 विकेट लिए। इस ग्राउंड पे बात करें तो 14 पारियों में 211 रन बनाए अच्छा नहीं है, लेकिन 9 विकेट भी लिए इन्होंने साथ में, और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 2 पारियों में 111 रन बनाए 0 विकेट है। तो देखिए ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मामला है कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 111 रन बनाए, इस हिसाब से तो ये मस्ट ऑफ पिक रहते हैं। ग्राउंड पे इन्होंने 14 पारियों में 211 रन बनाए लेकिन साथ में 9 विकेट भी लिए हैं, इस हिसाब से भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, लेकिन फिलहाल हम इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो 5 पारियों में इन्होंने 1 पारी में ही अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो आप इन पे भी किसी अपने ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग में जगह दे सकते हैं और ये ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड का इनका रिकॉर्ड अच्छा है और साथ में पाकिस्तान के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। दुनित वेलेलेज की बात करें तो 5 में से 2 पारियों में इन्होंने 1 में 42 रन बनाए और 5 विकेट लिए, जो भी हाल ही में इंडिया के अगेंस्ट खेले, और 1 में 33 रन बनाए और 2 विकेट लिए, तो 5 में से 2 पारियों में चले हैं। ग्राउंड पे 5 पारियों में 68 रन 11 विकेट लिए हैं, तो इसलिए दुनित वेलेलेज जो हैं ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड का, पाकिस्तान के खिलाफ अभी खेले नहीं है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, साथ में स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और ये यहाँ पे चल रहे हैं, स्पिनर हैं चल रहे हैं, तो आप इनको मस्ट ऑफ पिक रखें अपनी ड्रीम 11 टीम में। मैं बात कहूँ महेश तीक्ष्णा की, तो महेश तीक्ष्णा पिछले 5 में से 4 पारियों में चले हैं, 1 पारी में 3 विकेट लिए, 1 में 28 रन 1 विकेट और 1 में 2 विकेट फिर 2 विकेट, तो ये मस्ट ऑफ पिक रहने वाले हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, साथ में इस मैदान पे 6 पारियां खेली हैं, 11 विकेट लिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला, लेकिन महेश तीक्ष्णा है जो ड्रीम 11 टीम में मस्ट ऑफ आप इनको पिक रखेंगे। अब है महेश पथिराना की बात करें तो पथिराना 3 पारियों में से 2 में चले हैं, इस ग्राउंड पे 2 पारियों में 3 विकेट लिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले हैं, इन पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर को क्योंकि विकेट मिला है तो आप इनको रख सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, अपनी किसी ड्रीम 11 टीम में जगह दे सकते हैं, लेकिन अभी इनका हाल फिलहाल कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन नहीं है जैसे कि महेश तीक्ष्णा का है। कसुन रजिथा है, पिछले 5 पारियों में से 1 पारी में चले हैं, इस ग्राउंड पे 5 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, चाहें तो आप इनको भी इग्नोर कर सकते हैं या अपने किसी ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में जगह दे सकते हैं। तो देखिए हम इस टीम में से हम रखेंगे पी निशांका को, के मैंडिस को, एस समर विक्रमा को, सी असलंका को, दुनित वेलेलेज को, महेश तीक्ष्णा को और महेश पथिराना को।
तो आप पथनाना पे विचार कर सकते हैं, यस, और साथ में आप समर विक्रमा पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ समर विक्रमा का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो आप इन दो की जगह किसी और को ट्राई कर सकते हैं या इनको ले सकते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इस प्रकार है, फ़खर जमान है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, पांच पारियों में ये लगभग किसी में नहीं चले हैं, एक पारी में 30 रन बनाए हैं। इस ग्राउंड की बात करें तो ये दो पारियों में 54 रन बनाए हैं और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 8 पारियों में 328 रन बनाए हैं। तो अभी इनका श्रीलंका के खिलाफ भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ग्राउंड का भी नहीं है और मैचेस का भी नहीं है, आप इनको अपनी किसी टीम में चाहें तो जगह दे सकते हैं। इमामुल हक हैं, पिछले 5 पारियों की बात करें तो 2 पारियों में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 1 में 78, 1 में 91, ग्राउंड पे 2 पारियों में लेकिन 22 रन बनाए हैं, ग्राउंड पे रिकॉर्ड पुअर है। श्रीलंका के खिलाफ भी 4 पारियों में 178 रन बनाए हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, आप इनको ये ड्रीम इलेवन टीम में मस्ट हैव पिक रख सकते हैं। बाबर आजम है, पिछले 5 में से 3 पारियों में चले, 1 में 151 बनाए, 1 में 60, 1 में 53, और ग्राउंड पे भी इन 2 पारियां खेली हैं, 70 रन बनाए हैं, और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 4 पारियों में 492 रन बनाए, आप इनको अपनी टीम का कैप्टन रख सकते हैं, क्योंकि इनके सारे रिकॉर्ड अच्छे हैं और 61 की एवरेज से इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रन बनाए हैं, तो ये मस्ट टॉपिक रहेंगे। मोहम्मद रिजवान है, 5 पारियों में 3 पारियों में चले, 1 में 63, 1 में 44, 1 में 67, और इस ग्राउंड पे बात करें तो 3 पारियों में 104 रन बनाए हैं, आप ठीक ठाक कह सकते हैं, और लंका के खिलाफ इन्होंने 4 पारियों में 136 रन बनाए हैं। तो ऑल ओवर अगर आप कहें तो ये ड्रीम इलेवन टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे, क्योंकि 4 पारियों में 136 रन भी ठीक है, साथ में ग्राउंड रिकॉर्ड भी ठीक है और पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड भी ठीक है, और ड्रीम इलेवन टीम में ये पोजीशन नंबर 7 पर रैंक कर रहे हैं अगर भारत पाकिस्तान की पिछले 5 मैचेस की बात करें। आगा सलमान है, उनका 1 पारी का रिकॉर्ड ठीक है, तो लेकिन इस ग्राउंड का रिकॉर्ड आगा सलमान का ठीक है, 2 पारियों में 61 रन बनाए और 1 विकेट भी लिया है, तो आप आगा सलमान पर विचार कर सकते हैं। इफ्तियार अहमद है, 2 पारियों में चले हैं, 1 में 109, 1 में 30 रन बनाए, ग्राउंड पे 1 पारी खेली, 23 रन बनाए, और लंका के खिलाफ 2 पारियों में 60 रन बनाए, तो आप इन पे भी विचार कर सकते हैं, अपनी किसी ड्रीम इलेवन टीम में जगह दे सकते हैं। शादाब खान है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेग ब्रेक बॉलर हैं, ये 5 पारियों में सिर्फ 1 पारी में चले हैं शादाब खान, ठीक है, 1 पारी में 2 विकेट चटकाए, बाकी सब में 1-1 विकेट लिया है, लेकिन ग्राउंड पे ये 2 पारियों में 9 रन बनाए हैं, 3 विकेट लिए हैं, और लंका के खिलाफ इन्होंने 7 पारियों में 52 रन बनाए, 13 विकेट लिए हैं, तो 7 पारियों में 52 रन, 13 विकेट, तो विकेट का रिकॉर्ड इनका लंका के खिलाफ शानदार है, और क्योंकि स्पिनर है, लेग ब्रेक बॉलर हैं, तो इनको मस्ट हैव पिक बनता है, आप चाहें तो इनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने इनको ड्रीम इलेवन टीम में जगह दी है। फहीम अशरफ हैं, 5 पारियों में से सिर्फ 1 पारी में चले हैं, 2 विकेट लिए हैं, बाकी सब में 1-1 विकेट लिया है, कोई खास नहीं चले, इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड है, 2 पारियां खेली हैं, 6 रन बनाए हैं, 2 विकेट लिए हैं, 2 पारियों में 2 विकेट लिए हैं, लंका के खिलाफ इन्होंने 3 पारियां खेली हैं, 32 रन बनाए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं, आप इन पे विचार कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी हैं, उन्होंने सभी पारी में विकेट लिए हैं, 3 पारियों में 1 में 4, 1 में 2, 1 में 2, 1 में 1, 1, इस तरह से इनका भी रिकॉर्ड है। लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ग्राउंड पे 2 पारियां खेली हैं, 3 विकेट लिए हैं और अभी लंका के खिलाफ ये खेले नहीं हैं, तो आप इन पे विचार कर सकते हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी हैं, चल रहे हैं, अच्छी फॉर्म है, पिछले 5 मैचेस का रिकॉर्ड इनका शानदार है, तो ये मस्ट हैव पिक रहेंगे। नसीम शाह हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, यस, 5 में से लगभग 2 पारियों में 3-3 विकेट लिए हैं और 2 में 1-1 विकेट लिए, 1 में 0 रहा है, ग्राउंड पे 1 पारी में 0 विकेट रहा है, लंका के खिलाफ भी खेले नहीं है, तो नसीम शाह को आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी अपने ग्रैंडलिंग में जगह दे सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। इसी तरह से हारिस रऊफ हैं, राइट आर्म मीडियम हैं और 5 में से 4 पारियों में इन्होंने 3 पारियों में अच्छी परफॉर्मेंस की, 1 में 4 विकेट, 1 में 3 विकेट, 1 में 2 विकेट, लेकिन इस ग्राउंड पे 1 पारी में 0 विकेट और लंका के खिलाफ खेले नहीं हैं, तो हारिस रऊफ पर भी आप विचार कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो ड्रीम इलेवन टीम के टॉप जो बैट्समैन आ रहे हैं या बॉलर्स आ रहे हैं वो इस प्रकार आ रहे हैं, शादाब खान जो है ड्रीम इलेवन टीम में भारत पाकिस्तान की अगर 5 मैचेस की बात करें तो ये 5 रैंक पे हैं, मोहम्मद रिजवान 7 रैंक पे हैं, बाबर आजम 3rd रैंक पे हैं और साथ में शाहीन आफरीदी 8th रैंक पे, 8वीं रैंक पे हैं, इसी तरह से दुनित वैलेलेज हैं वो 2री रैंक पे हैं और आपके के मैंडी 6th रैंक पे हैं, सी असलांका 4th रैंक पे हैं, यस, और महीश तीक्षणा है वो 1st रैंक पे हैं,
तो मोस्टली जो खिलाड़ी हैं जिनको आप तीनों चारों पैरामीटर के आधार पर अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। गाइज मैं ड्रीम इलेवन टीम की बात करूं तो ड्रीम इलेवन टीम में विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के मेंडिस रहेंगे, बैट्समैन में सी असलंका, बाबर आजम, आई हक, समर विक्रमा, पी निशांका रहेंगे, ऑलराउंडर में एस खान, डी वेलेलेज रहेंगे, दोनों ही स्पिनर्स हैं, और बॉलर्स में शाहीन आफरीदी, तीक्ष्णा और साथ में एम पथिराना रहेंगे। आप ये हमारी ड्रीम इलेवन टीम रहने वाली है। कैप्टन बाबर आजम या शाहीन आफरीदी को करेंगे, तो बाबर आजम मस्ट में भी हो सकता है, और जो विकेट कीपर सॉरी वाइस कैप्टन है उसमें हम डी वेलेलेज को या फखर जमान को रखेंगे, तो आप डी वेलेलेज को रख सकते हैं। इस तरह से अपनी ड्रीम इलेवन टीम बना सकते हैं। गाइज मैंने आपको ये फैक्ट अवेलेबल कराए हैं। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको यूं ही अपडेट करता रहूंगा। अगर मेरा वादा है आपसे, अगर आप फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, दैट विल बी बेटर, और फैक्चुअल आधार पर विनिंग टीम होगी। वन डे यू विल विन श्योरली, मेरा वादा है आपसे, आप जीतेंगे। यस, और आप इसी तरह से ड्रीम इलेवन बनाते रहिए, फैक्ट के आधार पर बनाते रहिए। मैंने आपको पिच रिपोर्ट से लेके और हर बैट्समैन या बॉलर के रिकॉर्ड अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।